हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद राय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और साथ में देखेंगे स्टॉक्स का इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो पहले निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, एक वीक निकल गया है तो पहले वीकली एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पे, उसके बाद बात करेंगे डेली और फिर करेंगे 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए कल इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो अगर वीकली चार्ट पे नोटिस किया हो तो इस ट्रेंड के नीचे देखोगे तो एक कप एंड हैंडल बना हुआ है। कप एंड हैंडल का कन्फर्मेशन मिला था और उसके अकॉर्डिंगली इस वीक हम लोगों ने ट्रेड किया था डाउनवर्ड्स के लिए। एक बड़ा गैप डाउन खुला था, इसके नीचे कन्फर्मेशन मिला था, ये प्राइस एक्शन बना था यहाँ पे, कप एंड हैंडल तोड़ के नीचे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और ये हैंडल के ऊपर 16,700 लेवल्स पे 16,700 लेवल्स पे और 600 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला था हमें डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक हैंडल था और ये यहाँ का स्टॉप लॉस था। मतलब जो पुट खरीद होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहा होगा लंबे समय के लिए, जो कैरी फॉरवर्ड किए होंगे मंथली बेसिस पे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ से अगर रिट्रेस कर जाता तो एक दोबारा हम लोग को बेयर मार्केट देखने को मिलता, क्योंकि एक ये डबल बॉटम बन जाता, अरे सॉरी डबल टॉप बन जाता, और मतलब मार्केट ये होती कि रिट्रेस करके दोबारा नीचे जा रही है। बट ऐसा देखने को मिला नहीं, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली गई, एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद काफ़ी अच्छा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ हुई होंगी खास करके फ्यूचर्स वालों की, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अब आने वाले दिन क्या हो सकता है, पहले ये ड्राइंग हटा देते हैं। डेली चार्ट में भी देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, जिगजैग एक अच्छा खासा हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है यहाँ पे। डेली चार्ट में क्या देखने को मिलता है लेकिन, कि एक बहुत ज़्यादा एक स्टीप प्राइस मिला देखने को पिछले ये 3 दिन। नोट देखोगे तो पिछले 3 दिन काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी अपसाइड के लिए। अब आने वाले दिन में कल परसों 2 दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे या कंसोलिडेट करे, क्योंकि पेंडिंग है मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस करने का, इसको अच्छा चांस था कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी देने के बाद फ्राइडे को कंसोलिडेट या एक बार रिट्रेस कर ले, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। फ्राइडे को भी नेक्स्ट डे अच्छा खासा एक रैली देखने को मिली। इनफैक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक बुलिश मतलब पैटर्न बना के यहाँ पे डे एंड किया है। अब ये पैटर्न करोगे तो ऑन बुक्स कहीं नहीं मिलेगा, किसी और यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। इट्स सिमिलर टू व्हाट यू कॉल एक मिनट जूम इन कर लें। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट यू मे कॉल डबल बॉटम, बट डबल बॉटम नहीं है, ये वाला बॉटम थोड़ा सा ऊपर होता है, नीचे से एक कर्व तुमको देखने को मिलेगा थोड़ा सा टिल्टेड डब्लू की तरह। अब ये पैटर्न की बात करोगे तो एक और स्टॉक्स में देखने को मिला है सीसीएल प्रोडक्ट्स में, दो तीन जगह और होगा, जहाँ जहाँ स्पॉट होगा वहाँ वहाँ बताते जाएंगे। डेली चार्ट पे यहाँ देखेंगे तो सिमिलर ये चीज़ देखने को मिली थी यहाँ पे, और सिमिलर यही चीज़ देखने को मिली थी यहाँ पे। एक बुलिश मोमेंटम होता है, इसको कह सकते हो वी शेप रिकवरी हुई, थोड़ी सी रिट्रेस हुआ और दोबारा ऊपर चला गया। कोई इस पैटर्न का नाम नहीं है एज सच, बट ये देखोगे तो अगर प्राइस एक्शन की बात करोगे तो सिंपल वी शेप रिकवरी होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। तो सिमिलर यहाँ पे हमारे साथ निफ्टी में हो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वी शेप थोड़ी सी रिकवरी दे के थोड़ा सा मतलब डब्ल्यू शेप आ जाता है थोड़ा सा मतलब गिरने की वजह से। बट इसमें भी देखोगे तो एक ये रिकवरी देखने को मिली यहाँ से यहाँ तक, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो डे एंड तो उसने मतलब निफ्टी ने एक बुलिश मोमेंटम के साथ किया 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो। बट यहाँ पे आगे ही 17,100 या 17,200 पे एक रेजिस्टेंस है, इसको अब करना क्या होगा, एज सच तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस लेवल के बीच में खुलता है, इस लेवल के बीच में खुलता है तो अपसाइड ट्रेड इग्नोर करेंगे, अपसाइड ट्रेड तभी लेंगे जब इस लेवल्स को पार करेगा, इस लेवल को पार करेगा। इस लेवल को पार करते ही एक 1:2 का टारगेट लेकर ट्रेड ले सकते हैं, जैसा पैटर्न बनाए शॉर्ट्स पे अपडेट कर देते हैं वो देख सकते हो। डाउन साइड के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, ड्रॉइंग सेट आ दे रहा। क्योंकि बहुत 3 दिन से पिछले एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड, तो सेलिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेलिंग कैसे करेंगे हम लोग, सेलिंग करने के लिए ये अगर मान लेते कि यहाँ कहीं मार्केट खुली इन बिटवीन दिस रेजिस्टेंस और इसके बीच में, इसके बीच में खुलती मार्केट, मान लेते हैं कि ये भी नहीं, ये तो थोड़ा सा मतलब
पिक्चर परफेक्ट हो गया। मान लेते हैं कि इस यहाँ पे खुलती है मार्केट भी, मार्केट यहाँ खुलती है और डाउनवर्ड मूवमेंट देने की कोशिश करती है, तो क्या होगा कि अगर हम लोग वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस को, सॉरी इस सपोर्ट को पार करने का, तो बहुत टाइम निकल चुका होगा हमारा और ये ऑलमोस्ट यहाँ से 80-90 पॉइंट्स कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी फर्दर मूवमेंट दे यहाँ तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% एवरेज अपना मूवमेंट दे चुकी है निफ्टी का। अगर एवरेज मूव देखोगे तो इट इज़ क्लोज टू 120 to 160 लेवल, 160 पॉइंट। तो इतना फिर उसके बाद बहुत छोटा हमें काम वो मिलेगा, तो शॉर्ट करने के लिए भी तभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट थोड़ा यहाँ खुले इस लेवल के पार, मतलब इस लेवल के नीचे खुले, इस लेवल के नीचे खुलते अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो तुरंत ही इस लेवल्स के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का टारगेट हमारा ये होगा। शॉर्ट करने का टारगेट हमारा ये वाले लेवल्स होंगे। पहला 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 टारगेट हमारा ये वाला सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से अभी एक बार रिट्रेस कर चुका है। एक मिनट यार, ये क्यों उठ गया। ठीक, अपसाइड के लिए देखेंगे। अपसाइड अगर इसके ऊपर खुलता है, इस लेवल के ऊपर अगर कंसोलिडेट करके धीमे धीमे जाता है यहाँ से, इस लेवल को पार करता है, तो फिर बाई करेंगे। 1:2 का टारगेट रखेंगे, सिंपल रखेंगे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे। अगर कुछ कॉम्प्लिकेट आउट होता है तो एज यूजल शॉर्ट्स पे आके समझा देंगे। ठीक, और फिर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी वीकली देखोगे तो वीकली में यहाँ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम देने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। अगर सक्सेसफुल होता है ये डबल बॉटम, तो इन आने वाले समय में 38,000 और 40,000 तक देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जाए अपने ऑल टाइम हाई के पास। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। शॉर्ट करना होगा तो इस ट्रेंड का वेट करेंगे टूटने का। इस ट्रेंड का वेट टूटते ही जैसे फिर ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर जल्दी करना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेना, तो इसके नीचे आते ही एक शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे हम लोग। टारगेट रखेंगे सिंपल, ये रहेगा हमारा टारगेट पहला 37,100। फिर दूसरा टारगेट इस गैप को हो सकता है फिल करे, तो ये टारगेट भी ले सकते हैं। ठीक, और स्टॉक्स देख लेते हैं। फिर स्टॉक्स में हमारे पास एशियन पेंट्स देखोगे वीकली चार्ट पे तो बहुत क्लोज है अपने ब्रेकआउट देने के यहाँ से। ये भी देखोगे तो डबल बॉटम बना के ऊपर जाके कंफर्मेशन दे सकता है यहाँ से। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट वैसे मिल चुका है यहाँ से देखोगे, अगर ये अपना नेकलाइन देखोगे तो नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मैं वीकली चार्ट पे, तो एक स्ट्रांग क्लोजिंग देखने को मिली है। आने वाले समय में अपने पुराने 52 वीक हाईज को ये टेस्ट कर सकता है दोबारा। तो अगर स्विंग ट्रेड चाहो तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है यहाँ पे। और डेली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के बाद क्लोज हुआ है। शॉर्ट करने के लिए इस लेवल के नीचे सिंपल शॉर्ट कर सकते हैं, ये टारगेट होगा अपना 32,400। और बाइंग करने के लिए डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाएगा हमें। टारगेट होगा 34,057। दिस इज़ फॉर इंट्राडे ट्रेड, बाय साइड। सेल साइड का टारगेट बता चुका है, एक बार मार कर देते हैं सेल साइड का टारगेट भी। सेल साइड का टारगेट हमारा इसके नीचे करना है ना, 15 मिनट्स। इसके नीचे सेल करना है हमें इन लेवल्स के लिए। एशियन पेंट एक अच्छी ट्रेड हो सकती है कल। इंडसइंड बैंक देखोगे तो इंडसइंड बैंक डेली चार्ट पे, पहले इसका भी वीकली देख लेते हैं। वीकली भी देखोगे तो वी शेप रिकवरी के बाद थोड़ा सा ये भी नीचे आ रहा है, जस्ट लाइक निफ्टी। थोड़ा सा इसका मतलब स्ट्रेट वर्जन है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर्व था, इसमें कर्व कम है, सेम चीज़ है। यहाँ देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है नेकलाइन से यहाँ पे, तो आने वाले समय में इसको, अगर बुलिश मार्केट बनी रहती है तो आने वाले समय में इसको 1217 के पास देख सकते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे टारगेट यहाँ अगर कल का मिलो तो ये देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस के ऊपर एकदम एग्जैक्ट वही बंद हुआ है, तो कल का टारगेट हम लेंगे यहाँ तक का।
कल का टारगेट जो हम लोग लेंगे 1100 का, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, एकदम राउंड फिगर कर लेते हैं, 2 रुपये से क्या करना, 1100 का टारगेट ले लेंगे अगर अच्छा मोमेंटम रहता है तो। TCS में देखेंगे, TCS में देखोगे तो एक अच्छा खासा मतलब क्लोज टू रेजिस्टेंस ये भी क्लोज हुआ है। अगर ये मतलब हमें मिलता है कल तो ये टारगेट लेके अपना ट्रेड कर सकते हैं 33,080। इस कैंडल के ऊपर टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देख के बंद हुआ है। अगर नीचे जाता है तो नीचे भी इस स्विंग के नीचे इसमें अच्छी ट्रेड मिलेगी, यहाँ के नीचे 3244 पे टारगेट लेके अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो तीनों स्टॉक अपसाइड डाउनसाइड दोनों के लिए रखेंगे, कोई भी बायसनेस नहीं रखना पहले से कि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट खुलेगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और तीनों स्टॉक्स में। ठीक, इसके साथ चलेंगे चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।